नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीहोर के कुबरेश पर महादेव मंदिर में भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा के आदेश अनुसार शिव महापुराण के अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण बुधवार से किया जाएगा। मंगलवार को भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने डेरा जमा लिया है। रुद्राक्ष वितरण के लिए 1,000 फीट की 9 लाइनों के अलावा 9 काउंटरों का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह चौथे चरण के चुनाव के लिए मालवा निमाड़ में 3 दिन तक ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। दिग्विजय बुधवार से लगातार 2 दिन तक यूपी की मध्य प्रदेश से सटी लोकसभा सीटों पर जनसभाएं करेंगे। इंदौर में पुलिस ने 2 दिन पहले हुई हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया है। आजाद नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी कनाडिया इलाके में अग्रवाल स्कूल के पीछे है। आरोपी का नाम वसीम शाकिर है। शाकिर के साथ एक अन्य शूटर अमन शाह को भी पुलिस ने पकड़ा है। शाकिर को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। उसे पांव में गोली लगी। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के फॉर्म जमा होना शुरू हो गए हैं। 25% परीक्षार्थियों ने फॉर्म भर दिए हैं। 12वीं के लिए आवेदन परीक्षा शुरू होने के 1 दिन पहले तक कर सकेंगे। 10वीं की विषयवार परीक्षा शुरू होने के 1 दिन पहले तक फॉर्म जमा हो सकेंगे। बता दें कि इस साल 10वीं में 1 लाख से अधिक और 12वीं में 88,000 से अधिक परीक्षार्थियों की सप्लीमेंट्री मिली है। दमोह में फतेहपुर मध्यांचल ग्रामीण बैंक में कल शाम हुई लूट की वारदात के कुछ घंटों बाद ही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में लूट करने वाले बैंक कर्मचारी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ग्रामीण बैंक से लूटी गई 43 लाख रुपए की रकम भी बरामद कर ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया है। इस दौरान यूपी, महाराष्ट्र और मेघालय के सीएम मौजूद रहे। पीएम के 4 प्रस्तावकों में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री भी थे। नामांकन से पहले मोदी ने गंगा स्नान किया, फिर काल भैरव बाबा की पूजा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आपने चुप्पी तोड़ी है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कल बहुत ही निंदनीय घटना घटी। कल सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहुंची थी। ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इसी बीच आवास के स्टाफ में से विभव कुमार पहुंची और स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता और बदतमीजी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव ने यूपी के जालौन और झांसी में रैली की है। राहुल ने झांसी में कहा, सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को फाड़कर कचरे में फेंक देंगे, शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मोदी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है, इतना ही पैसा हम गरीबों को देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। 4 चरणों का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब अंतिम 3 चरणों के चुनाव प्रचार की सरगर्मियां बढ़ रही है। भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे। बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े चेहरे और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के रास्ते 45 किलोमीटर लंबा जाम। मंदिर जाने वाली गाड़ियों का नंबर 25-20 घंटे तक आ रहा है। इस इंतजार में बीते 4 दिन में यमुनोत्री गंगोत्री जा रहे 10 लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। इनमें 5 की जान मंगलवार को हुई। प्रमुख खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।